मंडर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। Sir, sir, plus my boss Ghanshyam sir. So we promise that we will provide you lot of programs full of entertainment, full of comedy, and a neat and clear concept. Thank you. Gentlemen, we have two stars on the stage, the CEO and the manager. Hi, sir. जोरदार ताली हो जाए। Congratulations and thank you. इधर देखिए। I would like to call सर इधर। हाँ इधर देखिए सर। Joining us, हाँ। जोरदार तालियां हो जाए। हाँ एक बार इधर अखिलेश, इधर। शायद आपको याद हूं मैं खेलने आ रही हूँ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर आवर अमेजिंग गेस्ट मिस्टर सुनील पाल। जोरदार तालियां हो जाए। सो यो वी हैव अ ब्यूटीफुल मोमेंटो फॉर यू। वाओ जोरदार तालियां हो जाए। सुनील इधर, सपने वाला इधर ही है। शरीफ हो या गुंडे, सबके फोटो खिंचवाते हैं गुंडे। मेरे बहुत खुशकिस्मत की बात है कि नए साल के मौके पर, नए साल में जनवरी में ही ये प्यारा मौका मिला, मुझे अवार्ड मिला है। आई स्लिक स्लिक फ्लिक्स, ये हाँ आई आई फ्लिक्स आई फ्लिक्स, ये बहुत अच्छा अवार्ड है और मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया उस ग्रुप को मेरी तरफ से 2021 में कम से कम 2000 करोड़ की कमाई हो
और आप सबको मेरी तरफ से एक किस। तो हो गया ना 2021। एक जोक मैं सुनाऊंगा उसके बाद चला जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ बाकी होंगे। जोक सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जोक का अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं। लॉकडाउन के बाद मैंने जो बाई डन की है उसका नाम कमला है। वाह, और ये जोक मुझे यूएस ने सुनाया है। वाह, उमा शरीफ। और फिर मैंने यूएस को सुनाया उपासना सिंह को। अरे पहले पहले जो चार लोग हैं ये कौन है? वही चार लोग हैं जो हमें जिंदगी में परेशान करते हैं। यार चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, हमें चार लोगों के साथ खड़े रहना पड़ता है, समाज में चार लोग हमारे साथ होने चाहिए, ये वही चार लोग हैं। और ये इनके लिए मैं क्या कहूँ, नारी शक्ति। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस हम पांचों में सबसे महान नारी शक्ति है, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। बल्कि कहूंगा कि मैं नारी शक्ति के पास ही सारी शक्ति है। तुम्हें कह सकते हो जितने शादीशुदा लोग हैं जरा घबरा गए, क्या बोला है? सच क्यों बोल दिया? तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी शुरुआत हुई है, कोरोना चला गया है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन चला ही गया होगा क्या? अब तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मिल रहे तो गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अंदाज पेश करो, वो किस तरह से कोरोना के वैक्सीन के आने पर हम सबको बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबका समर्थन करती है आइस फ्लैक्स का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मेरे घर जैसे हैं, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। मैं कोरोना को किसी भी ग्रह में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि रिश्ते में हम सबके गृह मंत्री होते हैं, नाम है अमित शाह। लेकिन फिर भी आप कानून को मत तोड़ना, नहीं तो कानून फिर आपको तोड़ेगा। ये अवार्ड मिला है मुझे, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अवार्ड मिलते रहे ताकि काम करने का जोश आए और होश आए। और बहुत दिन से बैंक को कुछ मिला, बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगी आप लोगों को। कोई है यहाँ पर? कोई है? VIP, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नेक, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ऐसा उसका खुद का मानना है। आदमी दिल का साफ है और दिमाग का भी। तो ये लड़की नहीं देश का गहना है, बाबा ये लड़की नहीं देश का गहना है, VIP उसे मत दे वो तेरी बहना है। कमाल है यार बाबू जी। VIP ने आज जिस तरह से पूरे ड्रेसिंग सेंस के साथ कपड़े पहने हैं, आज ये वाकई VIP लग रहा है, अंदर से भी VIP लग रहा है, वरना ये आज तक मांगते हुए कपड़े खा बोले कुछ भी नहीं, अंदर से भी VIP आ रहा मेरे अंदर। मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को IFLX देखना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, देखना चाहिए कि देखना चाहिए? देखना चाहिए भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। VIP की तरफ से, हम सब कॉमेडी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हंसाना मुश्किल है, आप लोग मानते हैं? लेकिन मैं आज कहूंगा हंसना और भी मुश्किल है। एक फिल्म हमने बनाई है लॉकडाउन टू अनलॉक। ये फिल्म लॉकडाउन के उतार चढ़ाव पर है। मास्टर गणेश आचार्य जी इस फिल्म में है, मैं हूँ, एहसान कुरेशी है और भी बहुत सारे कलाकार हैं। आपको ये फिल्म हमारे प्रोडक्शन के द्वारा, मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल के महीने में हम इस फिल्म को रिलीज़ करें, क्योंकि अप्रैल का फुल महीना अप्रैल फुल होता है, तो कॉमेडी का महीना होता है। या अगले महीने मई के महीने में करूँ, क्योंकि मई का महीना जो पहला दिन होता है वो लेबर डे होता है, और 2 तारीख को ये लेबर पैदा हुआ है। मैं जानबूझ के बात छेड़ क्यों रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि जैसे साड़ी में जाऊँ, ये चार लोग आए अपना नंबर देना, लॉकडाउन टू अनलॉक हमारी हो गई, उसको हमने लॉकडाउन कर दिया। आपका आशीर्वाद बना रहे लॉकडाउन टू अनलॉक के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में रिलीज करूँ,
ये बात मैं जानबूझ के मीडिया के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि मीडिया जो है मेरी बहुत साथ देती है, और मैंने हमेशा कहा कि मीडिया का मतलब होता है प्रेस, और प्रेस का मतलब दबाना, ये मुझे बहुत दबाते हैं, बता रहा हूँ। अब इस लड़की के लिए शेर अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसको देता हूँ। कम लड़की बहुत ही प्यारी है, आप इस लड़की के लिए शेर अर्ज करना चाहूँगा। आप लोग वाह वाह बोलेगा जितने या तादाद में जिन्होंने यहाँ पर जोश दिखाईगा। कल तक ये मुझे कहती थी चाहूंगी युगो युगो, वाह वाह, कल तक ये कहती थी मुझे मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझे गरीब को कहती है युगो युगो युगो। ये बिल्कुल झूठ है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। So, many many congratulations to you, all the best. क्या गाऊं मैं ऐसा कुछ गाते हुए जो आपको सबको बताओ। मैं उदय पीछे मरा जग जानदा, तालियां तो हो जाए थोड़ा। मैं उदय पीछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे नहीं मर। मैं उदय पीछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे नहीं मरदा। कदे उस फुल दे, कदे उस फुल दे, यार मेरा तितली वर्गा, यार मेरा तितली वर्गा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। चुप चुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। थैंक यू सो मच। इधर मैडम, इधर सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सभी को इधर मैडम, इधर युवराज, इधर, यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यस युवराज, इधर फॉर जॉइनिंग अस। मैं समझता हूँ कि आज बहुत जरूरत बन पड़ी है ओटीटी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड जो मामला अब होने जा रहा है, जिसमें ज़्यादा बजट नहीं होता है, लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छी होती है, कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको प्रमोट करने का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमारे इस प्यारे से ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है आइस फ्लिक्स, मैं वाकई आंखों से देखने के लिए सबसे अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और मैं भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म पर देखा हूँ। वीआईपी से आपके साथ भी अपने वीडियो एल्बम देख रहे हैं गाने गाने जी। नहीं, मैं मेरी फिल्म तो अभी डबिंग चल रही है उसकी, कंप्लीट हो जाएगी अप्रैल या मई में, मैं रिलीज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अप्रैल का महीना जो है वो कॉमेडी का महीना है, फुल अप्रैल, अप्रैल फुल होता है। उसमें कपिल शर्मा का जन्म भी हुआ है 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, लेकिन 1 मई को अगर मैं करना चाहूँ तो उस दिन लेबर डे होता है, और 2 मई को ये लेबर पैदा हुआ था, तो मई भी मेरे लिए खास है, अप्रैल भी मेरे लिए खास है। मैं कोशिश करूँगा अप्रैल में मैं लाऊँ। लॉकडाउन टू अनलॉक ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है, लेकिन लॉकडाउन के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस उसमें रखने की कोशिश की है, आप रिलेट करोगे। इसके बीच में आपको लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बड़े स्क्रीन है, वो इसके सामने फीकी पड़ जाएगी या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, शुरू में देखिए हर एक का अपना अपना, जैसे थिएटर ड्रामा है उनकी अपनी ऑडियंस है, उनका अपना स्टाइल है। नसरुद्दीन शाह भी करते हैं, बड़े कलाकार भी करते हैं। टीवी का अपना स्टाइल है, फिल्मों का अपना स्टाइल है, ओटीटी का अपना स्टाइल है, कहीं कोई नहीं जाने वाला। जब फिल्में थी तो सिर्फ फिल्में थी, जब वीडियो आया तो भी फिल्में थी, फिर टेलीविज़न आया तो भी फिल्में हैं, ओटीटी रहेगा तो भी फिल्में रहेगी, कोई कुछ कुछ नहीं होने वाला। फिल्में ऑलवेज किंग है। ये तो लोगों ने बनाया है, हम तो मानते नहीं बादशाह है। अगर आप लोग समझते बादशाह तो जी के सेवक हम तो बस भाई बहनों, हम तो केवल सेवक हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। ये जानना चाहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजकल फिल्म आ रही है, ये वीडियो म्यूजिक आ रही है, ये क्या बोलते हैं ओटीटी में कॉमेडी भी आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, कॉमेडी सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं नहीं बोलता कॉमेडी आ रही है, लेकिन गाली गलौज वाली आ रही है।
गंदगी वाली आ रही है, नंगे पन की आ रही है, लेकिन अच्छी वाली भी आएगी और वो लोग भी आएंगे जो नंगे वाला करते, क्योंकि नंगापन कितना लोग देखेंगे? करेक्ट, नंगापन हमारा हिंदुस्तान जो है ना वो बहुत नहीं देख सकता, और देखने वाला हिंदुस्तान भी 20% है, 80% को अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा OTT प्लेटफॉर्म आए, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे आइसफ्लिक्स हो। बिल्कुल, अब देखिए इतना टैलेंट आया है, हमें कैट लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास खुद की कैट है, और इसका नाम रीना है, तो अपने आप में कैटरीना ही है। ये इसको जो है देख के लगता है कि ब्लैक बिल्ली, हमें कैटरीना की जरूरत नहीं, ये अपने आप में कैट है और इसका नाम रीना है, तो ये कैटरीना है, ये कैटरिंग भी इसी की है। ब्लैक बिल्ली फ्रॉम दिल्ली। हमारे इंडिया का जो OTT प्लेटफॉर्म है जी, इंडिया में जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसको हम इंटरनेशनल लेवल कैसे लेके जा सकते हैं? टैलेंट से, टैलेंट। मैंने बताया ना कि अगर गंदगी ना होना तो हम इसको और ऊपर ले जाएंगे, और अच्छाई अच्छी चीज़ें, देखो टैलेंट जरूर नहीं कि हम कुछ गंदा दिखा के हिट हो, अच्छी बातें, अच्छी जोक्स, अच्छी कॉमेडी करके भी चीज़ें हिट हो सकती है। पहले की फिल्में भी तो हिट होती थी ना, ऐसे नहीं कि जरूर, ये पहले के गाने भी अच्छे थे, ऐसे नहीं कि आज के बुरे। इन शॉर्ट अभी जो भी OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो हेट की ऑडियंस क्रिएट कर रही है, हेट। यस, उनको लगता है हेट फैलाओ तो लोग देखते हैं, अरे क्या है इसमें, नफरत क्यों बोले? लेकिन हिट की ऑडियंस पकड़ने वाला OTT अभी तक आया नहीं है। भगवान से दुआ करते हैं कि आइसफ्लिक्स वैसा हो या और भी ऐसे हो जिसमें रियल टैलेंट, रियल बातों को, रियल हिंदुस्तानी कलाओं को रखा जाएगा, और इस चीज़ का इंतजार हम भी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी दिन आएगा वो। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा, अभी जब लॉन्च किया तो गालिब का एक ट्रेजर लॉन्च हुआ यहाँ पे, और मतलब इस तरह की गालिब साहब ने ही ऐसे इस टाइप के OTT प्लेटफॉर्म के लिए कहा है कि एक उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता के लिए, एक उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता के लिए, हर शाप हर OTT पे उल्लू बैठा है, अंजामे OTT क्या होगा। माशाल्लाह हबीबी। बोलिए सर, क्यों उसके बाद तुम कहीं दिल्ली जा रहे हो? एक आखिरी सवाल, जरूरी नहीं है कि OTT या कुछ भी हो किसी को चीज़ को प्रमोट करने के लिए, न्यूडिटी या सेक्स की जरूरत है? करेक्ट, नहीं हुई। मेरा मानना ये है कि आपके पास अब मोबाइल आ गया है तो आप भले भले देखो, मैं नहीं बोलूँगा कोई बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी दिखाओ, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं आजकल, वो कम एज में उनके हाथ में मोबाइल आ चुका है और वो वहाँ घुस चुके हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए उनको। हमारे माता पिता पहले हम वहाँ तक गए नहीं थे, लेकिन आजकल मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुरी चीज़ है, वाकई में सबके लिए सब सही है, लेकिन एक होना चाहिए कि फलाने के लिए नहीं होना चाहिए, इतने एज के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो खुलेआम में बिंदास देखो। बट आएगा, इसका भी वक्त आएगा, अच्छी चीज़ें आएंगे, अच्छे दिन आएंगे भाई बहनों, अच्छे दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा, अच्छी OTT आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, और मैं हूँ कॉमेडियन VIP, और आप लोग देख रहे हैं मुंडे न्यूज। मुंडे न्यूज बाबा, हमारे चारों तरफ गुंडे हैं और हमारे सामने मुंडे हैं। हाँ, चाहे महाराष्ट्र का भाऊ हो या पंजाब के मुंडे, सब देखते हैं न्यूज मुंडे, इसलिए मुंडे देखते रहो, चाहे महाराष्ट्र का भाऊ हो, चाहे हरियाणा का ताऊ हो, चाहे पंजाब के मुंडे हो, सब देखते हैं न्यूज मुंडे, न्यूज मुंडे, दाढ़ियाल हो या मुछ मुंडे, जी हाँ देखते रहिए न्यूज मुंडे। इसको पढ़ के देखिए फिर बताइए। बिना नाम के इसका नाम कैसे होगा? इसका कोई नाम पसंद ही नहीं आया, क्योंकि इसके सहारे तुम हमेशा मेरी यादों में बसे रहते। तुमने मेरे सारे सपनों को हरा कर दिया है। आपको भूलना चाहता भी कौन है? बहुत सुंदर लग रही है। जब वो पास होते तब उसे कुछ कहा नहीं जाता, और जब वो दूर होती है तो उसके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है। आई लव यू सो। रोशनी
है क्या उसे देने के लिए? प्यार, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। ना तो वो ठीक से हम सबका पेट भर पाएगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है और ना ही तुम्हारे नखरे उठा पाएगा। ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं सुबह ये कि मैं नहीं जी पाऊंगा और वो भी मेरे बच्चे के साथ खुश नहीं रह पाएगी। कितना बड़ा फ्रॉड निकल रही है राजेश। जिस दर्द को तुम महसूस कर रही थी मैं भी उसे दर्द से गुजर रहा था। अब मैं अपनी जिंदगी की कल्पना तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। क्या तुम अपने बाबा के मंजूरी के बिना मुझसे शादी कर पाओगे? मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करने दीजिए। मैं सुप्रिया की शादी किसी अच्छी जगह तय कर चुका हूँ। अगर तुम हमेशा मुझे अपनी यादों में रखना चाहते थे तो फिर उस दिन रजिस्टर ऑफिस क्यों नहीं आए? हम जिंदगी से चाहते बहुत कुछ है लेकिन मिलता वही है जो हमारे हिस्से का होता है। सच्चा प्यार कभी तोड़ता नहीं, जोड़ता है। अरे भैया मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।